निकाह नहीं, अब रुखसती की डेट पक्की होगी। मतलब मतलब ये कि अगर सामिया ने 2 साल मजीद और इंतजार करना है तो वो यहाँ नहीं अपने ससुराल में करेगी। चमक ही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। अरे वाह माशाल्लाह से तुम भी आई हो, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, दिल तड़प रहा था आपसे मिलने का, इतने साल जो हो गए। ये तो 2 साल और इंतजार करती, इतनी जल्दी क्या थी आने की। कैसी हो तुम, ठीक ठाक हो? भाई साहब आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? सामिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? कैसा चल रहा है सब कुछ बताओ, जॉब शॉप चल रही है? बहुत ठीक है, आजकल तो बड़ी खरीदारी वगैरह करते फिर रहे हैं क्लिफ्टन की दुकानों में। हमने तो सारी खरीदारी जामा क्लास से की है, ये क्लिफ्टन कहाँ से आ गया? मेरे बगैर तो नहीं चला गया क्लिफ्टन? सवाल ही पैदा नहीं होता मम्मी, अपनी चप्पल तक तो मैं आपके बगैर ले नहीं सकता, खरीदारी के लिए मैं क्लिफ्टन क्यों जाऊंगा? किसी और को देख लिया होगा। हाँ वही तो, किसी और को देखा होगा, वो नहीं। अच्छा ये मिठाई इतनी ज्यादा ले आई, हाथ दुख गए होंगे इतने वजन से। अरे ये तो मुंह मीठा करने को लाई हूँ, इंशाल्लाह निकाह की डेट पक्की हो जाए फिर 5 किलो का टोकरा लेकर आऊंगी। निकाह नहीं, अब रुखसती की डेट पक्की होगी। मतलब मतलब ये कि अगर सामिया ने 2 साल मजीद और इंतजार करना है तो वो यहाँ नहीं अपने ससुराल में करेगी। अरे वाह, ये तो तुम लोगों ने मेरे दिल की बात कह दी, यही तो कहने आई थी मैं। अरे भाई सामिया यहाँ रहे या वहां रहे, यहाँ पड़े या वहां पड़े, खर्चा तो होगा, इधर हो जाए उधर हो जाए क्या फर्क पड़ता है। बस अब ठीक है, 4 बंदे जो लाऊंगी ना निकाह के लिए उसी के साथ रुखसती करके ले जाऊंगी बच्ची को। ये बात पहले कह देती तो हमने कौन सा इनकार कर देना था। अरे ये तो मैं बच्ची की बेआरामी को कह रही थी, देखिए ना छोटा सा 3 कमरों का घर है, लाइट जा रही है आ रही है, हब्स हो जाती है, घुटन हो जाती है, सांस बंद होने वाला हो जाता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़े है ना। बस ठीक है, मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बच्ची को अपना कमरा दे दूंगी, अब तो जरा जल्दी है ना, वरना बाथरूम भी नया बनवा देती बेचारे, बिजली गिर जाए इन पर। चलो कोई बात नहीं, साथ साथ होता रहता है सब, बन जाएगा बाथरूम भी। हाँ इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। अरे कि चाय में ये इलायची है या कोई मकौड़ा लग रहा है मुझे? अल्लाह मीना तो कुछ रखे। ओहो ये मीना जो है ना ये तो बिल्कुल ही नाकारा हो गई है। चलो उठो आलिया, जाओ दूसरी चाय की प्याली बना के लाओ। कब दे दीजिए? धो के लाइयो। अरे तो मुंह तो मीठा कराओ ना। ये नहीं कराऊंगी तुम्हारा मुंह में। नहीं पहले भाभी को खिलाएं, उनको ज्यादा खुशी है। तुम तो खाओ, उनका भी करा लेती हूं। मैं जरा चाय का देख कर आई। अरे भाई साहब आप कहां उठ के चल दिए, मीठा तो खाइए मुंह। आप सैफुर्रहमान को खिलाइए, शादी मर किसी कैफियत हो रही है, बेचारे स्टैचू ही हो गया। खाओ बेटा खाओ।